ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपसे चर्चा करेंगे, आपको जानकारी देंगे कि साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। देखिएगा, प्रत्येक व्यक्ति को उत्सुकता रहती है कि हमारा आगामी वर्ष कैसा रहे। तो सर्वप्रथम आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। नववर्ष में आप बहुत तरक्की करें, उन्नति करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, घर परिवार में आप हंसते मुस्कुराते रहें। इस वीडियो में हम जानकारी देंगे आपको मेष राशि वाले जातकों के लिए सन 2024 कैसा रहेगा। पहले तो आप एक बात समझ लें मित्रों कि जो ग्रह लंबे अंतराल में राशि परिवर्तन करते हैं, वह ग्रह आपके शनि, राहु, केतु, देवगुरु, बृहस्पति और मंगल 40-42 दिन से 45 दिन के अंदर परिवर्तन करते हैं। सूर्य 1 महीने में करते हैं लगभग। शुक्र बुध भी ऐसे ही चलते हैं, यानी शॉर्ट टाइम में 1 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर राशि परिवर्तन करते हैं। लेकिन मेन प्रभाव जो लंबे अंतराल में राशि परिवर्तन करते हैं उनका सर्वाधिक रहता है। तो इस वर्ष में शनि देव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में संचार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान समय में मेष राशि में संचार कर रहे हैं, लेकिन 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। राहु आपके मीन राशि में संचार करेंगे संपूर्ण वर्ष, और केतु आपके कन्या राशि में संचार करेंगे। और साथ में मकर कुंभ और मीन राशि के ऊपर शनि की साढ़े सती रहेगी। मीन राशि के ऊपर चलती हुई साढ़े सती है, कुंभ राशि के हृदय पर है और मकर राशि पर उतरती हुई, वृश्चिक राशि पर चौथी अढ़ैया रहेगी शनि की, और कर्क राशि पर आठवीं अढ़ैया चलेगी। तो ये पांच राशियां शनि देव से प्रभावित हो रहेंगी। डिपेंड करता है कि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है। शुभ स्थिति है, अच्छी स्थिति में शनि है, तो जाहिर सी बात है, और किसी ग्रह की दशा अंतरदशा आपके ऊपर अच्छी चल रही है, संभवतः साढ़े सती के या अढ़ैया के दुष्प्रभाव कम पड़े। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि की स्थिति शुभ नहीं है और किसी ग्रह की दशा अंतरदशा भी आपके अनुकूल नहीं है, तो थोड़ा स्थिति आपके प्रतिकूल हो सकती है, कठिनाइयों वाला, परेशानियों वाला साल रह सकता है। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसे रहने वाले। देखिएगा, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर तो शनि की अष्टम अढ़ैया। अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर, चूंकि यह फलादेश चंद्र राशि पर है, अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर शनि या किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आपके अनुकूल चल रही है काफी मजबूत स्थिति में, तो संभवतः प्रॉब्लम्स काफी कम हो जाएंगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति भी शुभ नहीं है और शनि की दशा अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है, किसी अन्य ग्रह की दशा अंतरदशा आपके प्रतिकूल है, तो आप संभवतः थोड़ी कठिनाइयां, परेशानियां आपके सामने खड़ी हो सकती है। और साथ में आपके भाग्य स्थान में राहु संचार करेंगे, तो थोड़ी तरक्की उन्नति में बाधाएं, थोड़ी रुकावट, थोड़े कंफ्यूजन्स, पिता की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, पिता की तरफ से कोई लॉस, कोई नुकसान, उनकी सेवा कीजिए, आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। विदेशों की यात्राओं में कोई रुकावटें, व्यवधान देखने को मिल सकता है, लंबी दूरी की यात्राओं में कोई नुकसान आपको हो सकता है, यानी इस वर्ष आपको थोड़ा सा मेहनत और प्रयास आपको थोड़ा सा अधिक करना पड़ेगा, खुद के ऊपर विश्वास रखते हुए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखते हुए मेहनत करें, प्रयास करें, तो सफलता भी आपको जरूर मिलेगी।
करियर के लिहाज से स्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि वहां पर अभी तो देव गुरु बृहस्पति आपके संचार कर रहे हैं, 1 मई को ट्रांसिट कर जाएंगे, आपके लाभ स्थान में आएंगे, तब भी आपको लाभ मिलेगा। कोई परिवर्तन करना है बिजनेस में, नौकरी में, कोई इंक्रीमेंट्स करने हैं, वृद्धि करनी है, विस्तार करना है, या कोई नौकरी चेंज करनी है, तो आप कर सकते हैं। जितना प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, सफलता मिलेगी। लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगी, जहाँ से पैसा आता है, धन आता है, बड़े धन की प्राप्ति होगी। जो आपके मित्र वर्ग हैं, एज में, उम्र में आपसे बड़े, या भाई बहन हैं, अगर आप पुरुष वर्ग हैं तो महिला वर्ग से, महिला हैं तो पुरुष वर्ग से, आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। नए संबंध, नए कॉन्टेक्ट्स बनेंगे, प्रेम संबंधों का भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी दिक्कतें, पति पत्नी में मतभेद, डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, घर से बाहर निकलकर कोर्ट कचहरी तक पहुंच सकते हैं, डिवोर्स की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, प्रेम संबंधों में धोखा चीटिंग हो सकती है, कहीं विवाह शादी होने जा रही है उसमें कोई व्यवधान रुकावट है, डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, पार्टनरशिप में, बिजनेस वगैरह। फिलहाल इस वर्ष आपके लिए बहुत लाभदायक नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी बनता है तो बहुत सोच समझ कर सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट करते हुए और शुभ समय में आप इस कार्य को करें, और हो सके तो इस वर्ष के लिए कोई पार्टनरशिप में कोई नया कार्य टाल दें, नहीं तो लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना है। अचानक से हॉस्पिटलाइज होना, चोट फेट, कोई एक्सीडेंट, बनते कार्यों में अड़चने, रुकावटें, कोई अंडर पार्ट्स की, कोई गुप्त रोग यहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन पारिवारिक दृष्टि से ठीक रहेगा। परिवार वालों का लाभ, बेनिफिट, सहयोग प्राप्त होगा। बड़े भाई बहन, मित्र वर्ग, उनसे लाभ मिलेगा। यहाँ एक अच्छी स्थिति है। अगर आप कोई परिस्थिति आपकी कोई खराब होती है, कोई तकलीफ आपको आती है, तो आप परिवार वालों से और जो आपके मित्र वर्ग हैं, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगी। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। प्रयास कीजिए, सफलता जरूर आपको मिलेगी। तरक्की, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नई नौकरी लगने के योग बनेंगे। शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई कर्जे की, बीमारी की स्थिति से जूझ रहे हैं तो वहां से भी राहत मिलेगी। लेकिन यह साल आपका थोड़ा फ्लक्चुएशन वाला रहने वाला है। अगर किसी ग्रह की, जैसा कि मैंने आपसे बताया, अगर किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके बहुत पक्ष में है, अनुकूल चल रही है, तब संभवत है 70-80% तक कोई वर्ष लाभदायक, उन्नतिदायक सिद्ध होगा। और अगर किसी ग्रह की दशांतर दशा भी आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, और साथ में शनि के अष्टम ढैया है, भाग्यस्थान राहु संचार कर रहे हैं नवम स्थान में, तब संभवत है कुछ प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां, परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। तो मित्रों, आप इस वर्ष ओम गंग गणपते नमः का जाप करें, श्रद्धा पूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसके बाद फिर एक संकट मोचन हनुमानस्तक का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें। प्रतिदिन आप अपनी दैनिक दिनचर्या में आप इतनी पूजा जरूर जोड़ लें, 15 मिनट का कार्य है। तो आपको यहाँ पर जो अशुभ प्रभाव ग्रहों के घटित होने वाले हैं, उनसे आपको सुरक्षा प्रदान होगी और तरक्की, उन्नति के मार्ग आप अग्रसर होंगे। तो मित्रों, मंगलवार को और शनिवार को आप प्योरिटी से रहें, शुद्धता से रहें, 7 अनाज, जो सत अनाजा जिसको बोलते हैं, 7 अनाज मिक्स कर लें, डेली एक मुट्ठी लें, सिर के ऊपर 7 बार घुमाएं, पक्षियों को डालें, काली चींटियों को प्रतिदिन खिलाएं। तो यह उपाय अगर आप कंटिन्यूटी में करते हैं, तो जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव हैं ग्रहों के, उनसे आप बचेंगे और तरक्की, उन्नति के मार्ग आपके अग्रसर होंगे, और आप यह वर्ष आपके लिए लाभदायक, उन्नतिदायक। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री राम।